हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुलिका कश्यप एंड आई एम मधुलिका। और यू कैन मेक स्लिम योरसेल्फ स्टेप बाय स्टेप एंड दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी, जो टास्क शेयर करूंगी, उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि जो फर्स्ट टास्क था वो था मेरा क्लिनजिंग वीक। अगर कोई इस बार मेरा पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या इस सीरीज़ में पहली बार आए हैं या देख रहे हैं इस वीडियो को और अपना स्टेप बाय स्टेप अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं हेल्दी वे में और इस प्रोसेस में अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, जो कि एक बार अगर आपका वेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है तो वापस से वो लौट कर नहीं आता है, अगर आप इस सीरीज़ में अपना वेट को रिड्यूस करना चाहते हैं तो बेशक से आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको जो जो लास्ट के दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ यू कैन मेक स्लिम योरसेल्फ के नाम से, आप इस वीक से वो दोनों चीज़ें एक साथ फॉलो भी कर सकते हैं और उसके बाद आप धीरे धीरे करके थर्ड वीक भी मेरे साथ इसी वीक से आप दोनों पिछले वीक के जो टास्क हैं वो फॉलो कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आप इस वीक से भी अपना ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं उन दोनों स्टेप्स को मिलाकर। तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप जाकर उन दोनों वीडियोस को देखिए, उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि मैंने फर्स्ट टास्क फर्स्ट वीक में और सेकेंड टास्क सेकेंड वीक में क्या दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नाउ दिस इज थर्ड टास्क। तो सबसे पहले जो मेरा क्लिनजिंग वीक था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले जो सफाई करनी है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपको किसी भी फैट लॉस की जर्नी पर जाना है तो सबसे पहले आप अपनी क्लिनजिंग कीजिए, क्योंकि सफाई के बाद ही आप नया प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आप लोगों को जो बताया था, इस बार जो मेरा क्लिनजिंग वीक का जो प्रोसेस है वो जो स्टार्ट होगा वो ये है कि इस बार आपको सिर्फ एक कप गरम पानी लेना है सुबह मॉर्निंग में। अब मैंने एक गिलास गरम पानी क्यों नहीं बोला ये भी मैं आपको बताती हूँ। सुबह सुबह गरम पानी पीना, और सुबह सुबह सबसे पहले एम्प्टी स्टमक जो है हम लोग जब गरम पानी पीते हैं या नॉर्मल गुनगुना पानी पीते हैं तो उसके पीछे जो रीज़न होता है वो ये होता है कि जो आपके मुंह का सलाइवा होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त एक डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। तो अगर हम उस मुँह के सलाइवा को सबसे पहले पानी के साथ इंटेक कर लेते हैं तो हमारे जो दिन भर का डाइजेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। इसीलिए हमें कहा जाता है कि सबसे पहले आप गुनगुने पानी को लीजिए या फिर गर्म पानी को लीजिए। तो जिन लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम है या फिर जो बहुत ज़्यादा जिनके शरीर में ड्राइनेस रहती है उन लोगों को सिर्फ गुनगुना पानी लेना है, लेकिन जिनको ऐसी कोई शिकायत नहीं है तो वो गर्म पानी ले सकते हैं। एक कप गर्म पानी आपको लेना है, उस गर्म पानी को जैसे आप एक घूंट सिप करेंगे तो उस एक घूंट को आप पूरे मुंह में घुमाएंगे पहले, यानी कि आपके मुंह के अंदर जितना भी सलाइवा है उस सलाइवा को आप उस एक घूंट पानी के साथ अंदर सॉलो करेंगे। तो आपको क्या करना है कि वो एक कप पानी आपको ऐसे ही पीना है, थोड़ा थोड़ा मुंह में घुमाते रहेंगे दो दो मिनट एक एक मिनट और उसको धीरे धीरे करके निगलते रहेंगे। तो वो ये समझिए कि आपको दो से तीन गिलास पानी में जो आपको फ़ायदा होता है वो आपको इस एक कप पानी में ही फ़ायदा हो जाता है, बाकी की जो पानी की कमी है दिन भर में वो पूरी कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें जब आप एक कप पानी पी लेते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे पानी पीना है तो फिर आप उसके बाद एक गिलास पानी या दो गिलास पानी जैसा भी आप चाहें धीरे धीरे करके पीते रहिए। तो ये तो फर्स्ट इसका टास्क है जो मैंने आप लोगों को दिया है इस थर्ड वीक का, कि सबसे पहले आपको एक कप गर्म या गुनगुना पानी पीना है सबसे पहले मॉर्निंग में। उसके बाद आपको लेकर आना है आंवले का रस यानी आंवला जूस। देखिए आंवला जूस, इस वक्त अगर आंवला आपको कहीं आसपास मार्केट में दिखता है तो बिल्कुल से मैं कहूँगी कि आप उस आंवले को आप घर में लेकर आइए, और मिक्सर ग्राइंडर तो आजकल सभी के घर में होता है, अगर जूसर ना भी हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर से मिक्सी में चलाकर उसको जूस आप निकाल सकते हैं इजीली, क्योंकि आंवले को आप काटिए, बीज अलग कीजिए और थोड़ा पानी डालकर उसको मिक्सी में अच्छे तरीके से चला लीजिए और छान लीजिए, आपका जूस रेडी हो जाता है। और 1 से 2 किलो आंवले का जूस भी अगर आप बनाते हैं तो आप उसको किसी कांच के कंटेनर में या कांच की शीशी बॉटल में भर के आप फ्रिज में रख सकते हैं, वो 1 से 2 महीना आराम से चलता है। लेकिन अगर आपको आंवले नहीं मिलते हैं तब आप सेकेंड ऑप्शन पर जाइए कि आपको जो आयुर्वेदिक की दुकान पे आंवला जूस मिलता है वो लीजिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कह देती हूँ, क्योंकि आंवला जो होता है इस सीज़न में साल में एक ही बार आता है, तो अगर आप फ्रेश और प्योर आंवले का जूस लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय इसके कि आप प्रिजर्वेटिव वाला जूस लें। लेकिन फिर भी चलिए आयुर्वेदिक की दुकान से तो आप ले सकते हैं। तो इस आंवले के जूस में आप
एक से दो या तीन या चार, जितना भी मैक्सिमम आप ले सकते हैं, जिस क्वांटिटी में आपने पानी मिलाया हो, जो आपने घर में बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आप जितना तीखा या जितना हल्का सा सहन करने वाला जूस आप ले सकते हैं, उसको गुनगुने या गर्म पानी में आप आंवला जूस डालिए, उसमें थोड़ा सा हनी डालिए, और उस जूस को आपको लेना है मॉर्निंग में सबसे पहले पानी के बाद। उसके बाद जो है आपको लेने हैं आलमंड्स। आलमंड्स जब आप खाएंगे तो आपको दो या चार, इससे ज़्यादा आलमंड्स आपको नहीं लेने हैं, क्योंकि वो दो आलमंड्स, और देसी बना वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उन आलमंड्स को आपको बहुत चबा कर खाना है, यानी कि जैसे बिल्कुल एकदम क्रीम बन जाए आपके मुंह में, उसी तरीके से आपको उस बादाम को खाना है। देखिए बादाम जो है वो लोग बाग कहते हैं कि सात आठ बादाम भी खा लेते हैं, लेकिन उन सात आठ बादाम को खाने का कोई फायदा नहीं होता, कि अगर आप उन बादाम को जरा सा तोड़ा और निगल गए तो वो बादाम एज इट इज रहता है, उसका कोई फायदा नहीं होता। उस बादाम को आपको सिर्फ लेना है मुंह में और चबाना है, चबा चबा के जब वो क्रीम बन जाए बादाम जो है, तब उसको आप सॉलो कीजिए, यही इसका एक प्रोसेस होता है। तो मैंने आपकी दो चीज़ें ऐड कराई हैं इस हफ्ते, एक तो आपका कराया है गर्म पानी 1 कप आपको जो मॉर्निंग में लेना है, उसके बाद आपको लेना है आंवला जूस। तो आंवला जूस में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से लेना है। अब जो थर्ड इसका जो है मेन इंग्रेडिएंट जो मैं इस बार आपको इंट्रोड्यूस करूंगी या जो मैं दूंगी, वो है आपके ओट्स। ओट्स जो है वो आपको अपनी डाइट में ऐड करने ही करने हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप ओबेसिटी के मोड में हैं, तो ओबेसिटी के लिए जो मतलब फैट के लिए जो बर्न करने का काम करता है, बहुत ही फास्टर प्रोसेस कह सकते हैं उसको, मतलब बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से आपको जो ओट्स है वो फैट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब देखिए आपकी साथ साथ जो है आपकी क्लींजिंग भी होगी, साथ साथ आपका फैट भी रिड्यूस होगा, और साथ साथ आपका हेल्दी वे में भी फैट रिड्यूस होगा। इस चीज़ को प्रोसेस के इस प्रोसेस को आप समझिए। इसमें ओट्स आपको किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोगों को तो ओट्स खाने में पसंद होते हैं, वो लोग दूध के साथ भी ओट्स डाल देते हैं गरम, और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करके उसको ले सकते हैं। ये ओट्स जो आपको कैसे लेना है, मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट आप करते हैं, तो आपके घर में जो भी ब्रेकफास्ट बना हो आप वही ब्रेकफास्ट करेंगे, लेकिन 2 से 3 चम्मच ओट्स आपको दूध के साथ, या फिर आप कर्ड में भी ले सकते हैं, कर्ड ओट्स में बहुत अच्छे लगते हैं किसी किसी को जो दूध में नहीं खा सकता है, तो उसको आप कर्ड में या दूध में 2 से 3 चम्मच ओट्स जो है आपको लेने हैं। उससे क्या होगा, जो आपके ब्रेकफास्ट लेंगे आप उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, उसमें साथ में ओट्स जो है वो ऐड हो जाएगा। अगर आप ओट्स नहीं खाना चाहते या आपको ओट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर उसका एक ऑप्शन ये होता है कि आप ओट्स का पैकेट लाइए, उसको हल्का सा रोस्ट करके उसको मिक्सी में पीस लीजिए। तो जो भी आप रोटी पराठा जो कुछ भी आप मॉर्निंग में बनाते हैं और खाते हैं, तो उसमें आप उस आटे में आप ओट्स का आटा डालिए, और इस आटे की रोटी आप बनाकर उसके साथ खाइए, तो ये भी एक ऑप्शन होता है। ओट्स आपको अपने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ, लंच में और डिनर, तीनों जगह ऐड करना है। अब किस तरीके से ऐड करना है ये मैंने आपको बता दिया। चाहे तो आप ओट्स को दूध में या दही में ले सकते हैं, या तो फिर आप ओट्स को पीस कर अपने गेहूं के आटे में मिलाइए और उसको ले लीजिए। किस क्वांटिटी में मिलाना है, सपोज आप अगर एक कटोरी आटा अगर आप अपने लिए स्पेशली अगर आप लगाना चाहते हैं, एक कटोरी आटा आप लगाते हैं, तो उसमें 3 से 4 चम्मच ओट्स का आटा डालिए, क्योंकि ये फाइबर इसके अंदर इतना अच्छा होता है, और इसके अंदर जो क्वालिटी होती है ओट्स के, प्रोटीन वगैरह भी इसके अंदर बहुत अच्छा होता है, तो ये आपके शरीर को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन तो देता ही है, साथ में फाइबर के साथ ये कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता, और आपके शरीर के स्टमक को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता है। और दूसरी बात ये भी है कि इसके सब ये फैट लॉस के लिए जो ओट्स होते हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। तो इस वीक जो है मैंने आपकी ये 3 चीज़ें ऐड की हैं। सबसे पहला है आपका 1 कप गर्म पानी जो आपको मॉर्निंग में लेना है, दूसरा लेना है आपको आंवला जूस, ये आंवला जूस आपको क्लींजिंग के लिए ऐड करना है, ये बहुत ज़रूरी है, और थर्ड जो है मैंने आपका जो करा है वो करा है ओट्स। ये ओट्स जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी फैट लॉस जर्नी के अंदर। वैसे मैंने अभी इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले डाला था अपने लिए एक ओट्स का बोल बनाया था, आप जाकर उसको देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं मधुलिका कश्यप के नाम से। उसमें मैंने अभी कुछ दिन पहले एक ओट्स और मूसली जो मिलाकर मैंने दूध में बनाकर रखा था, मॉर्निंग में मैं लेती हूँ जरूर, क्योंकि मुझे इसकी आदत भी हो गई है, बहुत अच्छा होता है, टेस्टी भी मुझे लगता है, पर किसी किसी को ये टेस्टी नहीं लगता, तो उसके लिए आपको मैंने ऑप्शन बता दिया है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। और इसमें आपका जो खाना है तीनों टाइम का, देखिए
जो मैंने आपको सेकंड वीक में टास्क दिया था, जो मेजर टास्क जो मैंने आपको दिया था कि आपको जो भी खाना है आपको उसको सिर्फ चबा चबा कर ही खाना है, जब तक कि आपका वो खाना पूरी तरीके से मुंह में डिजॉल्व ना हो जाए। ये चीज़ अगर आपने अपनी लाइफ में पकड़ ली, इस चीज़ को अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करने लग गए, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको दोबारा मोटे पतले से मोटा कर सके, क्योंकि ये एक ऐसा रामबाण नुस्खा होता है कि जिसको अपनाकर आप देखते होंगे बहुत लोग हैं, जो खाना आप खा रहे हैं वही खाना दूसरा भी खाता है, लेकिन उन लोगों के खाना खाने का जो प्रोसेस, जो तरीका होता है, उसमें जो फर्क होता है, उसकी वजह से इंसान मोटा और पतला दिखाई देता है। दूसरी बात, मैंने राइस जो है वो लास्ट वीक भी आपका ड्रॉप करवा दिया था, और इस वीक भी मैं आपको राइस के लिए इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि राइस जो है वो पूरी तरह से चबाया नहीं जाता, उससे पहले ही आप उसको निगल जाते हैं। और चबाने का जो है, अगर आप काउंट करें तो 32 बार, कम से कम आप 32 बार इस अपने एक निवाले को चबाइए। आपका जो 1 से 1.5 रोटी है उसको आप कम से कम 20-25 मिनट, आपको उस 1 से 1.5 रोटी में लग जाएंगे। नो मैटर कि आप क्या उसमें खा रहे हैं, कि आप रोटी के साथ सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, जो भी आपके घर में बना है आप वो खाइए, लेकिन आपको सिर्फ रोटी के आटे में ओट्स का आटा ऐड करना है। और ये जो है मैंने आपको इस हफ्ते बताया है। दूसरी बात जो मैं आपको एक और बताना चाहूँगी कि अभी मार्केट के अंदर बेर और ग्रेप्स यानी अंगूर, ये दोनों चीज़ें मार्केट के अंदर हैं, तो ये आप जरूर लेकर आइए। बेर ना भी मिले तो अंगूर तो इस वक्त मार्केट में मिल ही रहे हैं, तो अंगूर लेकर आइए। और इस हफ्ते फ्रूट्स में आपको सिर्फ अंगूर, एक कटोरी अंगूर, आपको चाहे काले वाले हों और चाहे हरे वाले अंगूर हों, वो आपको ऐड करने हैं। जब आप मतलब नाश्ता कर लेते हैं और लंच से पहले, आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर लंच, आपको एक बोल अंगूर जो है वो आपको ज़रूर खाने हैं, क्योंकि अंगूर का काम होता है शरीर से मल को बाहर निकालना, यानी कि जिस जो भी आपके अंदर डिपॉजिट है गंदगी, उसको निकालने के लिए अंगूर जो होता है वो बेस्ट होता है। तो इस समय पे अंगूर लेकर आइए, लेकिन टेस्ट करके लाइए, अंगूर खट्टा नहीं होना चाहिए वरना गले में खराश होने का भी डर होता है। तो जो अंगूर, अगर आपको खट्टा लगे तो आप उसको छील भी सकते हैं अंगूर को, लेकिन आपको अंगूर इस हफ्ते ऐड करना है। तो आपको क्या-क्या ऐड करना है एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। गर्म पानी, आंवला जूस, ओट्स का आटा या ओट्स जैसा भी आप चाहें, और ये आपको अंगूर, और अगर बेर मिलते हैं तो वो भी आप साथ में ऐड कर सकते हैं, बेर और अंगूर दोनों मिलाकर आप खा सकते हैं। तो इस हफ्ते का टास्क जो है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इस टास्क को आप जरूर फॉलो कीजिए, और बिलीव मी आपका वेट जो है वो धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल हेल्दी वे में रिड्यूस होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक मैं दूंगी उसमें मैं आपको छोटा एक डाइट चार्ट जरूर दूंगी, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई भी डाइट चार्ट फॉलो करें तो उसमें आपको एक ऐसा प्रोसेस मिले, एक ऐसा तरीका आप उसको फॉलो करने का जो होना चाहिए, कि आप डाइट चार्ट तो फॉलो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपको हेल्दी वे में वो डाइट चार्ट फॉलो करें और जो प्रोसेस पहले होना चाहिए वो आपका हो चुका हो। और जो मेरे साथ इस बार नए जुड़े हैं वो इन सब चीज़ों को, फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क और ये जो थर्ड टास्क है, इसको आप साथ साथ फॉलो कर सकते हैं और आज से ही शुरू कर सकते हैं अपनी वेट लॉस जर्नी। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे इस चैनल मधुलिका कश्यप को, और फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मी एंड स्टे हेल्दी, और बाय।